बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। सो कैसे हो आप लोग, होप सो आप सभी ठीक होंगे। सो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं रोड राइडिंग पे, हिल टॉप पे। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हिल के टॉप से नज़र आने वाला खूबसूरत और सुंदर दृश्य। अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक लेकर, बाइक हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है और मेरे साथ जा रहे हैं सुनील भाई। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। सजा है हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बीच रास्ते में। रोड वगैरह तो आपने देख लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रास्ते में जगह जगह पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं, तो राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। और यहाँ सामने आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आराम से भाई, आराम से। काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उतर गया हूँ, क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पीछे भी आप देख सकते हो। तो गाइस यार अभी हम बीच रास्ते में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जेसीबी वगैरह लगी हुई है और सड़क में जो है काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है गिर चुका है। तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है, और जेसीबी लगी है लेकिन अभी भाई काम नहीं चला हुआ है। तो यहाँ से हमें आगे जाना है, वो सामने से जा रही है सड़क, और अभी हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है। सो चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा रहता है सफ़र। ऊपर से भाई पूरी ढलान जो है नीचे गिर चुकी है, थोड़ा बहुत रास्ता है लोगों के जाने के लिए। यार रोड की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ पर, जगह जगह भाई सड़क पे जो है मिट्टी और पत्थर गिरे हुए हैं। इस साइड भी आप देख सकते हो, और अभी यहाँ पे एक इस साइड नीचे की ओर एक घर है, जो कि भाई जहाँ पर घर के बिल्कुल पीछे पत्थर गिरे हुए हैं, बार बार बचे होंगे वो लोग। पहाड़ों के रोड भाई ऐसे ही होते हैं, पल भर में बारिश के दौरान जो है भूस्खलन वगैरह होता रहता है। इस साइड देखिए भाई, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है और इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इससे आगे हम पहुँचने वाले हैं हिल की टॉप पर, जहाँ से आपको यहाँ सामने का चारों ओर का जो है नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भाई यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई पत्थर गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरे हुए हैं। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि रोड इतना ज़्यादा ख़राब होगा, हम लोग बाइक लेकर आए हुए थे, लेकिन आधे रास्ते में ही बाइक को छोड़कर आना पड़ा। अभी हमें लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। तो चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं कुराना विलेज में, और यहाँ पर ठीक नीचे है यहाँ का स्कूल, जो कि काफ़ी सुंदर है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ के आप ग्राउंड भी देख सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े ग्राउंड है, बहुत ही सुंदर स्कूल है ये। लेकिन आज संडे है इसलिए यहाँ पर स्कूल बंद है भाई। कितना ज़्यादा उस समय आप देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है, और आस का व्यू
काफ़ी ज़्यादा उसमें है, लेकिन अभी सामने धुंध वगैरह छा रखी है तो उतना अच्छे से कैमरा में रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। इस सामने वाले गांव में हमें जाना है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, और आसपास आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ऊपर पहाड़ों पे गांव हैं। हिमाचल में ऐसे ही गांव आपको देखने को मिलेंगे, इस साइड आप बिल्कुल टॉप पे गांव है, और यहां पर अभी तक भी किसी तरह का कोई भी रोड नहीं पहुँचा है। जहाँ पर रोड का काम चला हुआ है वहाँ से अभी हम लगभग 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं तो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो रोड भी अभी तक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क चला हुआ है। हिमाचल में आपको ऐसे कई गांव देखने को मिलेंगे जहाँ तक अभी तक भी रोड का नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पर लोगों की लाइफ जो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है क्योंकि उन्हें जहाँ भी बाज़ार वगैरह में जाना होता है तो पैदल ही जाना पड़ता है, लगभग 15-15, 20-20 किलोमीटर डेली चलना पड़ता है। इस वक्त हम ढूंढ रहे हैं देसी खीरा और उसके साथ देसी कद्दू होता है जिसे हम अपनी भाषा में गंडोली बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी भाई खेतों में फैल गए हैं फिलहाल। अभी के लिए हमें ये दो देसी खीरे मिले हैं और इसके साथ ये है गंडोली और ये है हमारे छोटे दोस्त। हेलो हेलो करो, ऐसे करो हेलो, आप करो हेलो, बोलो हेलो। तो ये थे हमारे दो छोटे दोस्त, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमें देसी खीरा ढूंढने में। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बाइक वगैरह हमने पीछे लगा दी है क्योंकि आपको ही पता होगा कि सुबह काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन हो रखा था तो बाइक हमें पीछे ही लगानी पड़ी। और इस बैग में लेकर आया हूँ मैं देसी खीरा वगैरह, इसको भी मैंने आपको दिखाया था। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, भाई मेरे आगे आगे चले हुए हैं। आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।